दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टेली टी डी एल इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह टेली टी डी एल ऐसे लोगों के लिए या ऐसी कंपनियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनके यहाँ काफ़ी सारे लोग मिलकर अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, मतलब जिनके यहाँ बहुत सारा वर्क होता है और अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूजर्स, जैसे काउंटर सेल की एंट्री के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर या दूसरे कामों के लिए अलग अकाउंटेंट होते हैं, या यूँ कहूँ जिनके यहाँ टेली के मल्टी यूजर अकाउंटिंग फीचर का इस्तेमाल होता है, उनके लिए ये टेली टी डी एल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह टेली टी डी एल यूजर्स पर एक प्रकार का अंकुश सा लगाता है, जिसके कारण जो अदर यूजर्स हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ या फिर अदर टेम्प्रेरी यूजर्स हैं, वो जो वेरीफाइड एंट्री हैं उनको ना तो छेड़ पाएंगे, मतलब उनमें ना तो कोई चेंज कर पाएंगे और ना ही ऐसी वेरीफाइड एंट्री को वो लोग डिलीट कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टैली में एंट्रीज को कैसे वेरीफाई किया जाए और कैसे मेरा ये टैली टीडीएल वर्क करेगा, ये सब हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप एक्सपीरियंस कहें या एक छोटा सा टिप कहें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि कभी कभी हमें जो पहले से लिखा हुआ है उसको टाइप करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कुछ इस तरह की ही ज़रूरत मुझे अक्सर पड़ती रहती है। तो पहले तो मैं गूगल ड्राइव और ओसीआर रीडर्स की हेल्प लेता था, लेकिन फिर भी हिंदी के केस में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। लेंस के बारे में केवल इतना पता था कि ये सर्च करने में आपकी हेल्प करता है, आपको टाइप नहीं करना पड़ता, या इमेज है तो उससे भी सर्च कर लेता है। लेकिन गूगल लेंस एक ओसीआर, अच्छा ओसीआर है, इसके बारे में नहीं पता था, अभी कुछ दिन पहले पता चला। तो एक बार हम इसको यूज करके देखते हैं, गूगल लेंस को। चलिए, लेंस ऐप को मोबाइल में ओसीआर रीडर की तरह इस्तेमाल करने के लिए मैं लेंस ऐप को ओपन कर लेता हूँ मोबाइल के अंदर। और यहाँ दो ऑप्शन है, या तो मैं किसी इमेज से, ऑलरेडी सेव्ड इमेज से कोई टेक्स्ट गैदर करना चाहता हूँ, या फिर मैं मेरे कैमरे की हेल्प से कोई टेक्स्ट गैदर करना चाहता हूँ। तो ये मेरा एरिया है, मुझे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कॉपी करना है। तो ये इमेज है और इमेज को मैं फोकस कर रहा हूँ गूगल लेंस से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ कुछ नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन आएगा, कुछ सेकंड में ये ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑल का, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ सिलेक्ट ऑल पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब इस आपका टेक्स्ट जो है कॉपी हो गया है क्लिपबोर्ड में, और इसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो या तो आपकी कोई गूगल ड्राइव की फाइल बना रखी है उसमें पेस्ट कर दीजिए, या कीप नोट की कोई फाइल है उसमें पेस्ट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं आपको ओसीआर रीडर की कोई आवश्यकता नहीं है, और पूरा टेक्स्ट एज इट इज़ आपका आ गया है। आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं और अपनी फाइलों में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ मेरे लिए, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा ऐसी आशा है। तो आइए, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज हम टीडीएल डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हाउ टू लॉक वेरीफाइड वाउचर्स। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टीडीएल को आपको डाउनलोड करके एक्टिवेट कैसे करना है। तो बात आती है डाउनलोड की, तो डाउनलोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट www.asansolution.in पर पहुंच करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां लिंक आपको इसको मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिर मान लीजिए आपने इसको डाउनलोड कर लिया है, यहाँ मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ सिक्योरिटी टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो डाटा का पाथ है ये पूरा कॉपी करना है आपको। उसके बाद आपको अपनी टैली के अंदर आना है, और टैली के अंदर कंट्रोल एल्टर और टी फॉर टाइगर प्रेस करना है, तीनों एक साथ ये दबाने हैं, कंट्रोल एल्ट टी, उसके बाद एफ फोर प्रेस करना है। एफ फोर प्रेस करने के बाद यहाँ एंटर करना है, और जहाँ आपको खाली जगह दिखे वहाँ पाथ आपको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल एल्ट वी या कंट्रोल वी से आप पाथ को पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ लोडेड लिखा हुआ आ जाएगा और आपका ये टीडीएल टैली के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। टीडीएल को लोड करने के बाद अब मैं एक ऐसी कंपनी ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मैंने यूजर्स बना रखे हों। ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है जिसमें मैं लॉगिन कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मेन अकाउंट है, पूरा कंट्रोल है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, कंप्लीट कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेटर के पास। और इसके अंदर मैंने एक यूज़र बना रखे हैं। यूज़र आपको कहाँ पर पता चलेंगे, कंपनी में जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं यूज़र एंड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो एक यूज़र मैंने बना रखा है डाटा एंट्री टाइप का, और उसका यूज़र एंड पासवर्ड AA मैंने सेट किया हुआ है।
TDL के दो वर्जन मैंने तैयार किए हैं, दोनों में डिफरेंस आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो जो अभी हमने TDL लोड किया है उसको एक बार हम देख लेते हैं। मान लीजिए मेरी कुछ एंट्रियां मैंने कर रखी हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कॉलम आ रहा है इज ऑडिटेड, इसमें किसी में यस किसी में नो लिखा हुआ है। जो यस लिखा हुआ है इसका मतलब वो एंट्रियाँ लॉक हैं, उन एंट्रियों में मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तक तो ये सब कुछ लेगा, लेकिन लास्ट में जाके एक मैसेज शो कर देगा, वाउचर इज ऑलरेडी वेरीफाइड सो कांट अलाउड टू मॉडिफाई। तो ये जो TDL है ये एंट्रीज को एक तरह से लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद जो वेरीफाई एंट्रीज हैं, जो ऑडिटेड एंट्रीज हैं, उनको अल्टर नहीं किया जा सकता। ऑनर अकाउंट भी उनको अल्टर नहीं कर सकता, को केवल डिलीट कर सकता है, और यूज़र तो ना तो उनको अल्टर कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इस टैली TDL का फ़ायदा है। इस टैली TDL को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जो अपनी एंट्रीज को लॉक करना चाहता है। तो मैं आपको लॉक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए मुझे ये एंट्री है 50,000 रुपये की 1 जनवरी 2022 की, इसको मुझे लॉक करना है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है अप्रूव, अप्रूव पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ यस हो गया। अब मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ओनली डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी ओनर अकाउंट से लॉगिन कर रखा है। और जैसे ये जिनमें नो लिखा हुआ है उनको मैं चाहे जो कर सकता हूँ, उनका अमाउंट बदल सकता हूँ। आप देख सकते हैं इस एंट्री का मैंने अमाउंट बदल दिया, लेकिन अगर मैं यस वाली एंट्रीज़ को ओपन करूँगा तो उनका मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज़ को वेरीफाई करना है तो आप मल्टीपल एंट्रीज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अप्रूव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी मल्टीपल एंट्रीज़ भी अप्रूव हो जाएंगी। अब आप इनके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यूज़र अकाउंट से भी लॉगिन होकर के दिखाता हूँ। यूज़र अकाउंट से कंपनी में जाएंगे, यहाँ चेंज यूज़र कर देता हूँ और इसका आईडी पासवर्ड AA मैंने सेट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसकी डे बुक खुली हुई है और यहाँ सारी एंट्रियाँ वेरीफाइड है। ये एंट्रियाँ देख सकता है केवल, ना तो डिलीट कर सकता है। Alt D मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। Alt X कैंसिल भी ये नहीं कर सकता और चेंज तो ये कर ही नहीं सकता है। तो ये तीनों चीज़ें यूज़र की ब्लॉक्ड हो गई हैं। अगर यूज़र खुद भी किसी एंट्री को अप्रूव कर देता है तो उस एंट्री को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, केवल उस एंट्री को डिलीट किया जा सकता है और डिलीट केवल ओनर अकाउंट से ही होगा। चलिए अब बात करते हैं वर्जन नंबर सेकंड की। वर्जन नंबर सेकंड के अंदर डे बुक आप खोलेंगे, डे बुक में आपको अब यस नो की जगह ऑडिटेड लिखा हुआ दिखेगा इस तरह से, और जो ऑडिटेड नहीं है उनको अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। अब जब आप इस एंट्री को खोलेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑडिटेड स्टेटस दिखेगा। तो मतलब इस एंट्री को आपको चेंज कर ही नहीं सकते, ऑडिटेड लिखा हुआ है। आप ट्राई करके देखेंगे तो ये मैसेज आएगा, दिस इज ए ऑडिटेड एंट्री, कांट मॉडिफाई इट। तो अब यहाँ बटन नहीं है अप्रूव करने का, ऑडिट करने का। तो हम ऑडिटेड कैसे करेंगे इस एंट्री को? आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है और यहाँ एनालिसिस एंड वेरीफिकेशन लिखा हुआ है। टैली का ये डिफॉल्ट फीचर है, टैली प्राइम का। यहाँ वाउचर वेरीफिकेशन में जाना है और वाउचर वेरीफिकेशन में जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जिस डेट के वाउचर्स को वेरीफाई करना चाहते हैं वो डेट ओपन कर लीजिए। जैसे मैं 1/10 के वाउचर्स को वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ एंटर कर दूँगा। आप देख सकते हैं ये एंट्रीज हैं, मैं इन सबको वेरीफाई कर रहा हूँ एक साथ। तो मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ वेरीफाई पर लिखूँगा और यहाँ कोई रीज़न है तो वो रीज़न मैं लिख दूँगा, कोई नोट है कोई नोट लिख दूँगा, उसके बाद एक्सेप्ट कर दूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये सारी एंट्रीज वेरीफाई हो जाएंगी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरीफाइड। अब मैं 1 अक्टूबर में आकर के आपको दिखा देता हूँ कि उन एंट्रियों के आगे आपके वेरीफाइड वर्ड आ गया होगा। 1 अक्टूबर 2021 के अंदर 3 एंट्रियाँ हमने की, तीनों के अंदर वेरीफाइड वर्ड लिखा हुआ आ गया। इसके अंदर आप इन एंट्रियों को डिलीट कर सकते हैं पहले की तरह, लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर एक फैसिलिटी और मिलती है आपको कि अगर किसी एंट्री को आप ऑडिटेड की जगह अनऑडिटेड कर देते हैं, अनऑडिटेड कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास 1 233 नंबर का वाउचर है, मैं वहां से इसको ऑन होल्ड पर डाल देता हूं। डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, उसके बाद वाउचर वेरीफिकेशन, और यहाँ मैं खोल करके वेरीफाइड एंट्रीज को यहाँ डायरेक्ट मैं यहाँ से खोल सकता हूँ।
इन एंट्रीज को खोल करके मैं अगर यहाँ से इनका स्टेटस चेंज कर देता हूँ, इनको ऑन होल्ड पर डाल देता हूँ, तो ये वेरिफिकेशन स्टेटस इनका चेंज हो जाएगा। जैसे ये 1 अक्टूबर की एंट्री है, सारी एंट्रीज को मैं ऑन होल्ड पर डाल देता हूँ। अब आप इन एंट्रीज के अंदर चेंज कर पाएंगे क्योंकि ये मैंने वेरीफाइड से हटा दिए हैं। अब यहाँ आपको ऑडिटेड इनके आगे नहीं दिखेगा, ऑन होल्ड है लिखा हुआ, इसलिए आप इनको चेंज कर सकते हैं। और यूज़र अकाउंट की फैसिलिटी वर्जन नंबर 1 के अकॉर्डिंग कॉमन ही रहेंगी, केवल यहाँ एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलता है कि आप इन एंट्रीज पर ऑडिटेड को हटा भी सकते हैं, लॉक को हटा भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये टैली TDL और जो मैंने आपको एक टिप दी है गूगल लेंस के बारे में, वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आपकी कुछ समस्याएं हैं या फिर सुझाव हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं contact.asansolution@gmail.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।